साहब शीशा नहीं है आगे, लेकिन फिर भी जो है गाड़ी को फेलते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये ट्रक ड्राइवर जो है कितने आराम आराम से गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, और भी पीछे गाड़ी आ रही है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत आराम से चल रही हैं। और जो आपने थंबनेल में देखा है कि भाई 40-50 चलोगे तो बार बार मिलेंगे, और 80-90 चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे, कहने का पर्पज़ क्या है मेरे आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए, एक गाड़ी और आ रही है दूसरी, और ये भी अपनी लिमिट में चल रही है, लिमिट के बाहर नहीं है। लेकिन कुछ गाड़ी वाले जो हैं, जैसे कि ये देखिए, ये करीब 60-70 की स्पीड से जा रहे हैं दोनों, क्योंकि गाड़ी पीछे वाली खाली है, और ये भाई साहब आराम से जा रहे हैं। ये भी इनकी भी गाड़ी खाली है, आधी भरी है, आधी में सीमेंट लोड है। तो मैं समझ सकता हूँ कि यार कुछ ड्राइवरों को इमरजेंसी में गाड़ी बहुत स्पीड में चलानी पड़ती है, और इसी वजह से वो गाड़ी को तेज़ चलाते हैं। कुछ ड्राइवरों को घर जल्दी पहुँचना होता है, इस वजह से भगाते हैं गाड़ी। लेकिन भाई, उन सभी से मेरा कहना है कि जितने भी लोग गाड़ी को स्पीड में चलाते हैं, वो एक बात को समझ लें कि भाई जान है तो जहान है, और नहीं तो फिर सब शमशान है, आप समझ सकते हैं। तो देखिए, और गाड़ी आ रही है, और ये आगे वाली गाड़ी देखिए काफ़ी स्पीड से जा रही है। पीछे वाली भी काफ़ी स्पीड से है। तो कुछ ड्राइवर जो हैं लोकल के होते हैं, तो वो लोकल में ही गाड़ी चला रहे हैं, जैसे हमारे शहर के ही हैं तो वो अंधाधुंध चलाते हैं, और कुछ ड्राइवर बाहर के हैं जिन्हें इमरजेंसी में माल पहुंचाना है, तो वो भी जो है स्पीड में चलाते हैं गाड़ी को। और कुछ ड्राइवर जो हैं हकीकत में तेज़ चलाते हैं, तो सभी को मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, कुछ ड्राइवर ठीक ठाक भी होते हैं जो स्काईरिस गाड़ी को चलाते हैं। तो सभी से अनुरोध है, मेरा विनती है कि भाई आराम से गाड़ी चलाया करिए। अब देखिए, ये लोकल की गाड़ी है हमारे, तो ये आराम से जा रही है, उसके आगे आपको दिख रही होगी, देखिए वो DGM चली गई, काफ़ी स्पीड से थी, पीछे रोडवेज लगी हुई है उसके। तो आराम से चलाइए, ओवर हाइट गाड़ी भरी हुई है। इसके बाद भी देखिए, पीछे ये गाड़ी और भी आ रही है, ये गाड़ी आराम से चल रही है। तो आराम से गाड़ी चलाएंगे तो वाकई बात जो है हमारी आपकी बार बार मुलाकात होती रहेगी, और बार बार वही गाड़ियां हमें दिखती रहेंगी जिनका ये रूट है, अक्सर वो गाड़ी हमें टकराती रहेंगी। लेकिन अनलिमिटेड अगर चलाएंगे तो पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिखा देता हूँ। और सबसे पहले जो आपने वीडियो देखा था उसमें खाली गाड़ी जो है अंधाधुंध ड्राइवर साहब लिए जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी खाली हो जाती है जब वजन नहीं होता गाड़ी में, तो भी बहुत से ड्राइवर जो है अंधाधुंध गाड़ी को चलाते हैं। तो भाई मैं उन्हें बता दूँ कि मैं खुद भी एक ड्राइवर हूँ, मैं जानता हूँ कि जब गाड़ी खाली हो जाती है और हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकती नहीं है, स्लिप खाती हुई काफ़ी दूर तक टायर रगड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये ना सोचे कि गाड़ी खाली है तो कस के रपटाएँ, हिसाब से चलाएं, क्योंकि गाड़ी कीमती नहीं है, आपकी जान बहुत कीमती है और आपका परिवार कीमती है, इसलिए गाड़ी को हिसाब से चलाया करिए। और देखिए, हर ड्राइवर ऐसा नहीं है, कुछ ड्राइवर इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें कि हम ही सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, और जो लोग ये लोग जो ये चीज़ें सोच के चलाते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं, वही लोग अक्सर जो है धोखा खा जाते हैं। और जो कायदे से चलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, वो बहुत लंबे समय तक गाड़ी को चलाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।